खत्री महिला कल्याण समिति द्वारा उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नव निर्वाचित उपाध्यक्ष अंजू चौधरी के सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें खत्री समाज की महिलाओं ने उपाध्यक्ष अंजू चौधरी को माल्यार्पण, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर नव निर्वाचित उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने भी खत्री महिला कल्याण समिति की महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए उनके हर हक की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। इस मौके पर खत्री महिला कल्याण समिति द्वारा वर्ष भर के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए खत्री महिला कल्याण समिति सचिव निरुपमा ने कहा कि खत्री समाज के लिए ये हर्ष की बात है कि उनके बीच की एक महिला आज समाज के एक प्रतिष्ठित पद पर विराजमान है। वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि खत्री समाज ने आज उन्हें सम्मानित किया है, वो उनकी हक की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। होटल में बनाई गई, इसमें हम सब ने हरे परिधान में मीटिंग में आकर उसकी शोभा बढ़ाई। इसमें सावन की का आयोजन किया हुआ था, जिसमें मेरी साथी बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ममता मैना को सावन की का टाइटल भी मिला और फिर भी दी है। इस मीटिंग को सफल बनाने में हमारे सारे मेंबर्स का हाथ था, उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। आप इधर आइए, आप उठाइए कुर्सी थोड़ा। खत्री महिला समिति जो है पिछले 42 सालों से गोरखपुर में कार्यरत है और सेवा और मनोरंजन के साथ साथ मैत्री का बहुत बड़ा दायरा रखता है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज पहली बार मैं खत्री सभा में सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया है और इनकी काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में 60-70 महिलाएँ हैं, सब यहाँ आई हुई हैं मेरे स्वागत में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि खत्री महिला सभा जिस तरीके से काम करता रहा है, पूनम कुल्लर जो हमारी अभी के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में इसी तरह से कार्य करता रहेगा। और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी महाराज जी ने सौंपा है पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के उत्पीड़न, उनके देखभाल, उनकी परेशानियों को दूर करने का, तो मैं उसको भली भांति निभा पाऊँ, यही आशीर्वाद आज यहाँ खत्री सभा के हमारी सीनियर जो मेम्बर्स हैं उन लोगों से, खास करके कौशल भाभी बिना, ये लोग फाउंडर मेम्बर्स हैं, इन लोगों से विशेष रूप से मैं चाहूँगी कि इनका शुभकामना मेरे साथ बना रहे ताकि मैं इसी तरह सेवा के कार्य और करती रहूँ।